वंस अगेन, सो हमने स्टार्ट किया था एडाप्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। सो हमने पहले लेक्चर में क्या देखा था, वो उसका डेफिनेशन देखा था। सेकेंड लेक्चर में हमने बात किया एडाप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स, डेसर्ट प्लांट्स और स्नोवी रीजन्स के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे किसका, एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट्स, ठीक है। तो आप सबको पता है फॉरेस्ट जो होता है ये बड़ा डेंस होता है, राइट। सो इसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे भी क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सब भी होते हैं। तो अभी सिंपल सी बात है, जब कभी भी बहुत ज़्यादा डेंस रीजन आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, वो एक दूसरे से कंपीट करते हैं। क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। काई के लिए कंपीट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से कंपीट वो किसके लिए करेंगे, लाइट के लिए करते हैं। किसके लिए, लाइट, सनलाइट जिसको बोलते हैं, वो सनलाइट के लिए क्या करेंगे, वो एक दूसरे से कंपीट करेंगे। क्योंकि अगर एक दो तीन ट्री है, बहुत टॉल है, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, और उसके बीच में कोई एक छोटा सा ट्री है, फिर छोटा ग्रास वगैरह, श्रब्स वगैरह ये सब हैं, तो क्या होगा, उनको सनलाइट नहीं मिलेगा। और आप लोग को पता है कि जो भी प्लांट्स है, जो भी ट्रीज है, अगर उनको सनलाइट नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। फूड वो लोग कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, राइट। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये तो बताया आपको, ठीक है, एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब के सब चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो भी फॉरेस्ट में प्लांट्स रहते हैं, जो भी बहुत सारे डिफरेंट, बहुत ज़्यादा ये है, बहुत वास्ट, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, ठीक है, फॉर सनलाइट। दूसरी बात, कंपीट तो करते ही हैं, लेकिन मैंने अभी बोला कि क्लाइंबर्स भी होते हैं। तो अगर एक ट्री बहुत बड़ा है और क्लाइंबर्स लोग को क्या सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे ट्री के ऊपर उसके साथ चढ़ते जाते हैं ऊपर, क्यों, सनलाइट चाहिए उनको भी, सिंपल, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट्स। सो अगेन यहाँ पर देख सकते हैं क्लाइंबर्स भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, और एक ट्री जो थोड़ा छोटा था वो अभी और बड़ा होने की कोशिश कर रहा है, अडेप्ट कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं, समझ में आया, अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि उनका जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो उनको मिले, बराबर। सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ता है, अडेप्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, कोई एक के ऊपर चढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि उनको सर्वाइव करना है, राइट। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स, ठीक है। ग्रासलैंड्स मतलब जहाँ पे ग्रासेस होते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सो ये छोटे छोटे प्लांट्स में कौन हाइड कर सकता है, हाइड बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, वहाँ पर छुपते हैं, बराबर है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो भी ग्रासलैंड प्लांट्स होते हैं, ये बहुत टॉल प्लांट्स तो नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, मतलब जो सॉइल है, ठीक है, वो वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे क्या रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक टाइगर्स, एलिफेंट एंड डियर्स कैन रिमेन हिडन इन दीज ग्रासेस, राइट। ये सिंपल सी बात है कि ये जो भी ग्रासेस और जो श्रब्स है, इनमें क्या करते हैं, यही एनिमल्स क्या करते हैं, छुपने का काम करते हैं। However, grasses in cold region are very short, but ठीक है, जो भी cold region में grasses होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, बराबर। Animals like rabbit are found in such grasses, तो कौन से animals find होते हैं वहाँ पर, जो भी rabbit पता रहेगा आपको, खरगोश, ये लोग उधर मिलते हैं, ठीक है, because उनको बहुत ज़्यादा tall plants में रहने की ये नहीं है। दूसरी चीज़, वो अगर वो देखोगे तो पूरे रैबिट के जो ये है, पूरा बॉडी भी क्या रहता है, हेयर्स रहता है। ये हेयर क्यों रहता है, जस्ट टू प्रिवेंट देम विथ कोल्ड क्लाइमेट, वो कोल्ड क्लाइमेट से उनको क्या करके रखे, प्रिजर्व करके रखे, बचा के रखे, ठीक है। या फिर कोई भी एनिमल हो, कोई भी एनिमल अगर वो कोल्ड क्लाइमेट में है, ठीक है, तो आप देखोगे उसके ऊपर पूरा, उसके पूरे बॉडी के ऊपर हेयर्स रहते हैं बड़े बड़े, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको ठंडे से बचना है। तो उसके पास तो कोई क्लॉथ है नहीं, कोई कपड़ा नहीं है, ठीक है, कोई वुलन क्लॉथ हम लोग जाके उनको पहनाते नहीं है, तो इसीलिए क्या, अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है, राइट।
सो दैट इज़ वाई मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अडेप्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने पहले ही एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैं अगर इधर हूँ और मैं अगर कश्मीर में जाऊँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ. क्यों बीमार पड़ जाता हूँ? 2-3 दिन तक, उसके बाद ठीक हो जाता हूँ. क्योंकि 2-3 दिन तक लगता है मुझे अपने आप को वहाँ पर अडेप्ट करने के लिए, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एंड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो टिल देन अगेन आई वुड लाइक टू से दैट जितना आप तक पढ़ा है, जस्ट गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स. अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बता रहा है, अडेप्टेशन, राइट? सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक एंड थैंक यू.